नजर में गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चलेगा साथ में घूमने, क्यों भाई उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो, अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखा, तुम फंस गए, किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे, इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड खेल के, तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। सबसे ताकतवर चीज कौन, पैसा। खुद कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो, होगी हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमाए। ये लोगों की डायलॉगबाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे। पैसा कमाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ना ही इंडियन फैमिलीज में। सिर्फ अमीर लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं पैसा कमाने की, सिर्फ अमीर लोग। बचपन से वो बिजनेस की बातें अपने पापा की बिजनेस डीलिंग सुनता है। एक गरीब आदमी जिसका पिता नौकरी कर रहा है, वो क्या सिखाता है अपने बच्चे को? वो सिखाता है बेटा पढ़ाई कर, अच्छे नंबर ला, फिर तू अच्छे कॉलेज में जाएगा, फिर तेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, तेरी भी नौकरी लग जाएगी, फिर तू काम करियो, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर तेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, तू मस्त जिंदगी। गांव-गांव से आए हैं पटना, मैं कहता हूं कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुख है मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में मां के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, अंजुरी में पानी उतर जाएगा। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं, बस बन डीएसपी लौटूंगा। आज मैं कह रहा हूं कि बाप खींचता रिक्शा, मां मांजती थी बर्तन, खुद से आंख मिला ना पाता, तोड़ दिया मैंने दर्पण, उस टूटे दर्पण में मुझको मेरी टूटी किस्मत दिखती थी, मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था, बहन आधा पेट थी खाती, भूख नहीं है बहाना था, फटे जेब थे, फटे थे कॉलर, उनको भी सिलवाना था, बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था, हाथों में पड़ गए छाले पर जरा नहीं सिसकता था, नैन में तेरे जो सपना था वो हम सबका अपना था, और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था। छत जो घर की टपक रही थी उसको भी तो भरना था, जिस कर्म को जन्मा लाल तूने उस कर्म को पूरा करना था। पर्वों से नाता तोड़ दिया, घर से भी मुख मोड़ लिया, पत्थर बहुत थे राहों में, गिन गिन कर सबको तोड़ दिया, तो मैया को अब बतलाना है सपना उसका साकार हुआ, और देख लाल आज उसका वर्दी में तैयार हुआ। तो मां मैं अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है, और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है, ना तुझे मांजना है बर्तन, ना बापू खींचेगा रिक्शा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा, देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग सिर्फ मुर्दों पे नहीं हंसते।
को एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। कितने लोग आते हैं कोचिंग करने, वो कोचिंग से वापस चले आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते ही नहीं क्लास में, टीचर से मिलने ही नहीं जाते। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो भाई, तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो भगा देंगे क्लास, पूरी क्लास हंसने लगी, कितनी आग लगी अंदर। मास्टर आईएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। ऊपर से मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, मैं 4-5 दिन पहले क्लास ले रहा हूं दिल्ली में, तो एक भाई साहब लिख रहे थे एक हाथ से, दूसरे हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा यूट्यूबर हो, पकड़ लिया, कोने में रखा तो पकड़ में आ गया। मैंने कहा वैसे यार इतने लोग पीछे पड़े, क्या बना रहे हो? नहीं नहीं सर ऐसे ही पढ़ लो यार।